हेलो एवरीवन, मैं यक्ष सेठ, सीईओ ऑफ YKS ग्रुप, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। काफी टाइम बाद वीडियो बना रहे, काफी बिजनेस में भाग दौड़ चल रही है। अभी मेरा लेटेस्ट इंटरव्यू पब्लिश हुआ है वन ऑफ द मैगजीन, जिसमें मुझे सीईओ ऑफ द ईयर 2020 कंसिडर किया गया है। तो काफी चीजें बैकएंड में चल रही है, फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि जितना ज्यादा नॉलेज शेयर कर पाऊं आप लोगों के साथ फ्री में, उतना मैं शेयर करूं। आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी में रीपर्चेस बिजनेस प्लान कैसे वर्क करता है, कितने तरह से आप रीपर्चेस बाइनरी में इंट्रोड्यूस कर सकते हो और वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो इससे पहले बाइनरी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप रिफर कर देना। अगर आपने देखा हुआ है तो डायरेक्टली आप ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। तो कोई टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन क्लिक कर ले, जिससे आपको ये सभी वीडियोस डायरेक्टली मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बाइनरी में रीपर्चेस प्लान की सभी डिटेल्स। बाइनरी रीपर्चेस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो कितने प्रकार से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बाइनरी आपने कर दिया, अब आप चाहते हो कि आप रीपर्चेस इंट्रोड्यूस करो, तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3, 4। चार ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन में जा सकते हो, बट आपका जो कोर स्क्रैच प्लान है वो आपको समझना पड़ेगा और उस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पहला है लेवल रीपर्चेस, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। तो नॉर्मली लेवल में रीपर्चेस इंट्रोड्यूस कर लो, लेवल वाइज डिफरेंशियल एंड रैंक इनकम, जो परफॉर्मेंस बोनस और वो सब चलता है डिफरेंशियल इनकम के हिसाब से। तीसरा पॉइंट बेस्ड रीपर्चेस बाइनरी में। चौथा पीवी बेस्ड रीपर्चेस, इसमें क्या होता है आपके जो बीवी होते हैं उसको पीवी में कन्वर्ट कर दो और अल्टीमेटली मैचिंग पे इनकम दो। सो ये चार तरह से आप बाइनरी में रीपर्चेस कर सकते हो, और ये चारों को हम वन बाय वन समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इसको, इसकी हर एक इनकम को मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, वरना ये हर एक टाइप 10 से 20 मिनट ले, उतना डिटेल में है। बट मैं ट्राई करता हूं कि मैं ओवरव्यू दूंगा जिसमें आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा। तो देखते हैं पहला टाइप लेवल रीपर्चेस। लेवल रीपर्चेस, अब लेवल रीपर्चेस बाइनरी में दो तरह के लेवल होते हैं। एक होता है बाइनरी का लेवल, मतलब मैंने ये दो लोग मैंने स्पॉन्सर किया, मुझे तीसरा बंदा स्पॉन्सर करना है, तो ये स्पॉन्सर मैंने किया है बट ये बाइनरी का मेरा फर्स्ट लेवल, सॉरी सेकंड लेवल है, और स्पॉन्सर लेवल मेरा फर्स्ट लेवल है। तो बाइनरी के बिजनेस प्लान में दो तरह के लेवल आते हैं, बाइनरी लेवल और स्पॉन्सर लेवल। अब आप दोनों में आप जिस तरह से इनकम देना चाहते हो दे सकते हो। इनकम कैसी रहती है कि लेवल वन पे 10%, लेवल टू पे 8%, लेवल थ्री पे 6%, और ऐसा करके आप लेवल 10, लेवल 15 तक इनकम दे सकते हो। अब ये परसेंटेज किस चीज का रहेगा, तो ये परसेंटेज बीवी का भी हो सकता है, ये परसेंटेज डीपी का भी हो सकता है, और बहुत ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हो तो ये लेवल एमआरपी का भी हो सकता है, बट ये सजेस्टेड नहीं है और ऑलमोस्ट कोई नहीं करता है। तो आप डीपी पे दे सकते हो या बीवी पे दे सकते हो। अगर आप पूरा आपका बाइनरी पीवी पे चल रहा है और लेवल में आप इनकम दे रहे हो, तो प्रोडक्ट को बीवी में कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप आपके बिजनेस कैलकुलेशंस को डीपी पे ले जाओ तो आपके पूरे सिस्टम पे बीवी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपका बिजनेस प्लान इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब बाइनरी लेवल मतलब ये कैसे वर्क करेगा, अगर बाइनरी लेवल में हमने इनकम दी है तो ये बंदा अगर 100 डीपी की परचेस करेगा तो इसको 10 रुपए मिलेंगे, ये बंदा 100 डीपी की परचेस करेगा तो इसको 10 रुपए और इसको 8 रुपए मिलेंगे। स्पॉन्सर लेवल में क्या होता है, अगर ये इसको स्पॉन्सर किया है, इन्होंने 100 रुपए का परचेस किया है तो इसको 8 रुपए मिलेंगे, क्योंकि स्पॉन्सर तो फर्स्ट लेवल है। तो कई बार कंफ्यूजिंग रहता है, बट
जैसे मेंटरशिप बोनस, स्पॉन्सर बाइनरी, उन सब के लिए लोग यूज टू हो गए हैं स्पॉन्सर लेवल में। तो आप जो टाइप्स ऑफ बाइनरी रीपर्चेस का पहला लेवल, पहला टाइप है लेवल रीपर्चेस, उसके अंदर आप बाइनरी लेवल पे भी दे सकते हो, स्पॉन्सर लेवल पे भी दे सकते हो। अब इसके लिए फ्रेंचाइजीज बनाने की जरूरत नहीं है, आप आपके सिस्टम को ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर दो। या तो मेंबर पैनल से परचेज हो सकता है, या तो आपका फ्रंट साइड पूरा ई कॉमर्स बेस बना लो, वहां से ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर के हिसाब से लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो सेम वे बाइनरी में भी आप आराम से कर सकते हो, जैसे कि एक से लेके 1000 बीवी तक का कोई शॉपिंग करेगा तो उसको 5% मिलेगा, 1000 एक से 5000 तक करेगा, ये सब मोस्टली बीवी रहता है, उसको 10% मिलेगा। ऐसे करते करते अपने लास्ट लेवल आता है 25%, 28%, 22%, 50,000 से लेके 1,00,000। ये पूरे एग्जांपल्स है वो आपके कैसे बीवी की वैल्यू है, कैसे ये हो सकता है, वो सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अब ये हो गया डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल कैसे वर्क करता है वो मैं समझाता हूँ। 25 जैसे ही अचीव होगा उसके बाद क्या, तो उसके बाद शुरू होगा रैंक। आप यहां पे डायरेक्टर बना दो, या आपके हिसाब से और कोई नाम बताना है वो बता दो। यहां पे अगर डायरेक्टर बन गया तो डायरेक्टर को एक स्पेशल इनकम मिलेगी, फिर लेफ्ट में डायरेक्टर, राइट में डायरेक्टर, या तो एक लेग में है तो इससे डिफरेंशियल इनकम मिलेगी। सो इस तरह से बाइनरी में डिफरेंशियल एंड रैंक आप इनकम दे सकते हो। डिफरेंशियल इनकम तो आपको आइडिया आ ही गया होगा, डिफरेंशियल इनकम का फायदा यह है इससे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कैलकुलेटेड रहता है। अगर 25% डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 25% ही होगा, उसे ज्यादा कभी पॉसिबल ही नहीं है। समझते हैं कि इसकी पूरी डाउनलाइन का बीवी का रेंज निकाल के ये कंसिडर हो रहा है 10% पे, और ये भाई साहब है 18% पे, और ये भाई साहब है 14% पे। तो ये लेग के थ्रू इसका डिफरेंशियल इनकम 4% मिलेगा, ये लेग के थ्रू इसका डिफरेंशियल इनकम 8% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खुद 18 पे है तो पूरा 18 मिलेगा, भाई यहां 14% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 14% प्लस 18 तो कितना ज्यादा हो जाता, तो उसका 4% मिला, 10, 18, तो डिफरेंशियल 8%, इसलिए इसको डिफरेंशियल इनकम बोला जाता है। तो ग्राउंड लेवल पे लोग परचेस करने के लिए इंस्पायर भी होते हैं, खुद लेवल अचीव करने के लिए टीम को बढ़ावा भी दिया जाता है, साथ में डाउनलाइन को भी इंप्रूव किया जाता है। अब मानो कि आप एक बार यहां स्टक हो गए, आप डायरेक्टर पे आ गए, तो अब आप क्या चाहोगे, आपकी डाउनलाइन डायरेक्टर पे आए तो आप अपग्रेड हो गए, तो इससे टीम को बढ़ावा मिलता है, साथ में आप भी ग्रो करते हो। तो बाइनरी में अगर डिफरेंशियल और रैंक इनकम आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो इसमें स्टोर्स थोड़े पॉपुलर है कि आप स्टोर्स ओपन करो, शॉपी दो, लोगों घर में 10,000 का 15,000 का सामान दो, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट करें, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी आ जाता है। तो आप ई कॉमर्स बेस भी जा सकते हो, स्टोर बेस भी जा सकते हो, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट टाइप कैसा है, लिक्विड ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा पाउडर बेस है या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, उसमें किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, उस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें आप अगर डिफरेंशियल में जा रहे हो तो स्टोर में जाना है, ई कॉमर्स में जाना है, हाइब्रिड में जाना है, आपकी चॉइस है। तो ये 2010 से 15-18 तक काफी पॉपुलर था, अब इसकी मात्रा कम हो रही है, मतलब दूसरे ऑप्शंस ओपन होने की वजह से इसकी मात्रा कम दिख रही है। देखते हैं नेक्स्ट वाला टाइप। तीसरा टाइप है आप पॉइंट बेस रीपर्चेस कर सकते हो। पॉइंट बेस रीपर्चेस अभी 2020 के दिसंबर में अपने खड़े हैं तो आपने काफ़ी ग्रोइंग कंपनीज देखी होगी पॉइंट बेस रीपर्चेस में। पॉइंट बेस रीपर्चेस कैसे वर्क करता है, आप टीम ए को 2500 बीवी का रीपर्चेस कराइए, टीम बी को 2500 बीवी का रीपर्चेस कराइए, जैसे ही 2500 बीवी होगा आपको एक पॉइंट मिलेगा, अगर 5000 हुआ तो दो पॉइंट,
7.5 7.5 हुआ तो 3 पॉइंट, ऐसे मल्टीपल्स में होता रहेगा। तो आप दोनों टीम का बैलेंस आप जैसे पीवी में बनाते हो वैसे बीवी में बनाओगे, लोगों से रिपर्चेस कराओगे। अब जो ये पॉइंट्स है तो उसमें क्या करती है कंपनी के पूरे टर्नओवर का 50% 30% 80% 20% वो आपका कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो आपको समझना पड़ेगा। हम एग्जांपल लेते हैं कि 50% टर्नओवर का 50% कंपनी निकालेगी ये पॉइंट बेस इनकम के लिए। इसको आप परफॉर्मेंस बोनस नाम दे सकते हो, इसको ग्रोथ इनकम नाम दे सकते हो, जो भी कंसिडर करना चाहो आप इसको नाम दे सकते हो। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो जितना भी टर्नओवर हुआ है उसका 50% ऑफ द टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल पॉइंट्स इन अ मंथ, इससे 1 पॉइंट वैल्यू आती है, 1 पॉइंट की वैल्यू मिलती है इस फॉर्मूला से। अब मानो के ये बंदे ने 3 पॉइंट्स अचीव किए, 1 पॉइंट की वैल्यू आई 300 रुपए, तो ये बंदे को कितने रुपए मिलेंगे, 900। क्लियर, ये पॉइंट बेस। अब पूरी गेम पॉइंट पे होगी। दूसरे जब ये हो गई मेन इनकम, जिससे मेजर इनकम लीडर्स की इनिशियल स्टेज पे 1-2 साल होती है, उसके बाद आप कार फंड, हाउस फंड, लीडरशिप बोनस, बहुत सारी चीजें दे सकते हो। पूरी पॉइंट पे कैलकुलेट होती है कि यहाँ पे 30,000 के आपको हाउस फंड मिलेगा, 50,000 पे आपको कोई और मिलेगा, ऐसे करके पॉइंट बेस बाइनरी का रिपर्चेस वर्क करता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत कम पॉपुलर है और मैंने बहुत गिनी चुनी कंपनीज को देखा है जो पीवी बेस्ड बाइनरी रिपर्चेस रन करती है, उसमें भी काफी यूनिकनेस है। ये एक ऐसा रिपर्चेस है जिसमें कैपिंग लगानी पड़ेगी, मतलब लगी जाएगी। कैसे, पीवी बेस्ड बाइनरी रिपर्चेस क्या हुआ, अगर आपके कंपनी में लेफ्ट और राइट में 1:1 पीवी मैचिंग पे 1,000 रुपए मिलते हैं, तो जब ये बंदा 10 बीवी की शॉपिंग करता है, ये बंदा 80 बीवी की शॉपिंग करता है, तो कंपनी को पीवी और बीवी का एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ता है। 1 BV = 0.008 पीवी, ऐसा कोई रिलेशन क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा रिलेशन क्रिएट करने से जितने भी बीवी कंसीडर होंगे वो पीवी में कन्वर्ट होते जाते हैं। फिर हम कंडीशन रख सकते हैं कि मिनिमम 0.5 पीवी मैचिंग हो जाएगा या 0.25, या तो जो मिनिमम होगा हो जाएगा, या तो आपको एक पीवी अचीव करना पड़ेगा तब जाके मैच होगा। अब ये जो है, मानो के रिपर्चेस नहीं था तो इस इनकम पे कैपिंग तो लगाई होगी कंपनी ने, बाइनरी है तो सेम रिपर्चेस की कैपिंग बाइनरी से कंसिडर हो गई। मतलब आप रिपर्चेस में भी कैप पे रहते हैं बट अच्छी इनकम होती है, वो कैपिंग पे भी आप हिट करोगे तो इंडिया के टॉप 3% लोग जो कमाते हैं उतना कमा पाओगे। तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं है, जस्ट मैं आपका ध्यान में आया कि ऐसा होता है। तो अब जो दूसरी सारी इनकम है, इसमें रॉयल्टी हो गया या रिवॉर्ड्स हो गया, वो पूरा बीवी से कन्वर्ट हो गया पीवी पे चला जाएगा और पूरा पीवी बेस्ड ही रिपर्चेस कंसिडर होगा। इसमें भी आप शॉप्स ओपन कर सकते हो, ई कॉमर्स बेस कर सकते हो या हाइब्रिड कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो पीवी बेस्ड बाइनरी रिपर्चेस पीवी और बीवी के बीच में रिलेशन क्रिएट करके होता है। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, इन सब के लिए बहुत सारे डिटेल फॉर्मूलाज है, वो हम आराम से कोई वीडियो में देखेंगे। बाकी ये 4 टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बाइनरी रीपर्चेस जनरेशन के बाद का लॉन्ग टर्म कंपनी चले वो मोस्ट प्रायर बिजनेस प्लान है। और बहुत सी वेल नोन कंपनीज, उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, बट अभी बाइनरी रीपर्चेस पे चल रही है।
तो आशा करता हूं कि आपको चारों टाइप के बाइनरी रीपर्चेस पता चल गए होंगे। इसमें से जो भी कंपनी के मॉडल पे आप जाना चाहते हो या आप समझना चाहते हो तो आप आपका डिटेल स्टडी करिए, या आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से डाउट है जिस पे क्लैरिटी चाहते हो। इसके अलावा अब बाइनरी रीपर्चेस में मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा, या तो है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं या मेरी टीम सॉल्व कर देंगे। बाकी सेम जो हर बार बोलते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना, अगर आपको लगता है कि ये किसी को काम लग सकता है तो उनके साथ शेयर कर देना, और बेल आइकन तो क्लिक कर ही दीजिए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।